इसकी असल वीडियो भी डालेंगे काम तो भाई। कबुआ आपके ऊपर अटक कबुआ भाई आपके ऊपर कल 1:30 बजे के टाइम पे नमाज को पढ़ने आए थे यहाँ पर। जोहर की नमाज होती 1:30 बजे, अजा होकर 2 बजे नमाज होती। तो यहाँ मुबल्ली खान को गालियाँ दे रहे थे लंगे लंगे, तो कई को दे रहे गालियाँ आए। तो बाहर के लोग आए, 4-5 जने बाहर के लोग, और इन लोगों के 4 जने 8 जने मिल के मुबल्ली ने कंप्लेंट करे। सुबह में भी श्रीनिवास ऐसा ही आए थे, आके पूरा वेरिफिकेशन करके गए। उस्मानिया में जाके उस्मानिया में टाके दिए, 5 टाके लगे। और एक हमारे और एक साथी है जो कामरान नाम है, उन्होंने पीयूष हो गए थे। तो भाई साहब ये इधर अंदर ही हमला हुआ या बाहर? नहीं, अंदर ही के अंदर जी। और यही बात, और एक बात आप तो देख लीजिए, यहाँ पे मीनारा जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है प्रॉपर्टी है ये, और ये लाइब्रेरी तक ये पूरी। आपका नाम क्या है सर? मुत्तसिल एक जमीन है 2210 की, वहाँ पर एक साहब को वॉचमैन के तौर पर रखा गया था। उनके वालिद साहब थे, जब तक ठीक था मामला उबल लगे, ये फुकरा जाते थे, लंगर होता था, और वहाँ पर जो है ना वॉज के लिए वजू का वजू खाना भी था। तो बहरहाल अब क्या करें, ये लोग कुछ दिन से एक दीवार बाउंड्री की बना ली है, और हम बात करते बोल के ये लोग जो है ना, ये आप देखिए, ये 10-2-497 ये असिस्मेंट हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदार साहब के नाम पे ही है पूरा। मगर अब ये लोग क्या करें, देखिए आप, ये May 31st की डेट है, यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं आप, May 31st, जस्ट 3 महीने हुए। ये 4 भाई क्या करें बोले तो अपने अपने नामों से डुप्लीकेट असिस्मेंट बना लिए। हालांकि हम ये ऑलरेडी कंप्लेंट दे चुके GHMC ने, ये जो है ना दरगाह की ज़मीन है बोल के। अब ये लोग क्या करें, चारों भाई हम बाघ के हम जो है खामोश इस वास्ते बैठे थे क्योंकि वो लोग जो जिस मकान में थे उसका रिनोवेशन कर रहे बढ़ा रहे बोलते थे। मगर अब क्या कर रहे हैं बोलते, बिल्कुल दरगाह से मुतसिल होकर बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है G+3 जो है ना आलिशान बिल्डिंग बना लिए लोग। यहाँ देखिए आप, और पूरे 4 भाई है ये लोग, और बाहर के हुंडों को बुला के आप देखिए आप, यहाँ पर एक नौजवान है उनको कान फट गया उनका, और एक बच्चे को जो है ना बेहोश कर दिए बाहर के रोडी, मतलब रोडी जो है आके। जी भाई आपका नाम? फिरोज अहमद खान। इधर पे ही हमला हुआ मुझसे जी, हमला जो है बाहर से बुला के गुंडागर्दी करके या मजल पाव बता के किस तरह से करे। ये जो है ना दीवार उठाने की वजह से ये जो नौजवान क्या करे जो है ना वो दीवार गिरा दिए। मगर ये जमीन जो है ना आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लोग जो है ना असिस्मेंट बनाए, ये खुद का नाम का है, देखिए ये शाहनवाज अहमद बोलते हैं। और ये कितने गज पे है देखिए आप, ये सिर्फ जो है ना 90 गज, 85 गज, और लास्ट 200 गज, और एक भाई 85 गज, समझ रहे ना आप? टोटल कितना हुआ? टोटल जो है ना 2,200 गज को ये लोग क्या करे तो सिर्फ जो है ना 400-500 गज में असिस्मेंट बनाए। ये प्रूफ है, आप देख सकते हैं जी। तो हम लोग जो है ना जाके कंप्लेंट करे, 4-5 महीने 6 महीने से जो है ना ये कार्रवाई चल रही। तो वहाँ पर रजिस्ट्रार साहब के पास भी जाके कंप्लेंट दिए, तो ये लोग ये असिस्मेंट बना के डुप्लीकेट वहाँ पर जाके रजिस्ट्री कराने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर हमको रजिस्ट्रार साहब देख के बोले, आप कंप्लेंट दिए थे ना ये लोग आए थे, तो मैं इनको बताया कि जमात से NOC लेकर आओ बोल के बोला। तो ये फुकरा की जमात है, अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत करने वाले हैं फुकरा सब, जो है ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट LLB रोज है सैक्रीफाइज दे लाइफ टोटली यूनाइट ऑल रीजन्स, हमारा काम सबको एक करने का है। तो ये काम करते फुकरा, ये प्रॉपर्टी वगैरह सब जो है ना हमारा कोई मकसद ही नहीं है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टियों को लात मार के आए हम लोग। और ये जो खानखा है ये जो है ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे 4 एकड़ 6 घंटे वक्फ है। हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदार साहब जो है ना इस खानखा को के पास भी कंप्लेन करे तो रजिस्ट्रार जो है उनका रजिस्ट्रेशन रोक के ये बोले जो पहले जमात से NOC ले लेके आओ। दूसरी बात ये है, जब हम म्युनिसिपल में कंप्लेन करे तो मैडम आए उनका काम रुकाए। काम रुकाने के बाद फिर GHMC में हम उन असिस्मेंट कराते हैं, असिस्मेंट कैंसिलेशन के लिए जब हम डाले अप्लाई करे, हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है असिस्मेंट जो सिद्दीक दीनदार साहब के नाम पर है वो असिस्मेंट और जितने भी डॉक्यूमेंट निजाम की तरफ से ये अप्रूव हुई थी, निजाम सरकार की तरफ से ये सिद्दीक दीनदार साहब को तोहफे में मिली थी, तो वो तोहफे के हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हम वहाँ पर सबमिट करें। सबमिट करने के बाद बात ये हुई कि इनको निगरान करके हैसियत से रखा गया, इन्होंने बता रहे कि इनके पास जजमेंट है, कोर्ट का जजमेंट है, लेकिन सिर्फ कोर्ट का जजमेंट इनके पास ये है कि इन्होंने निगरान कार की हैसियत से है, उससे हटके इनका फोन ओन वैल्यू इनकी किसी ओनर ओनरशिप नहीं साबित कर सकते और ना इन्हों ओनर है। एक्चुअल ओनर देखा जाए तो सिद्दीक दीनदार साहब के उनके खानदान वाले होना, कोई भी साले साहब साले के हक में जो है बेबी दे दिया ये दे दिया ऐसे बातें नहीं होती। अच्छा सर, इन्हों हाई कौन इस दरगाह के क्या काम करते थे? दरगाह के जो साले साहब थे सिद्दीक दीनदार साहब के साले साहब थे, क्या नाम था उनका, बाबू सात मामू
साथ में हम लोग निगरान का रखे थे सिद्दीक जिंदार साहब के अहलिया, उनको जो है देख रेख करने के लिए रखे थे। तो उस जिम्मन में उन्होंने क्या करे, आपके उनके वालिद उनके वालदा बखूबी निभाए उस चीज को, लेकिन बाद में बच्चे क्या करने लगे, पांचों पांचों गज का डिवाइड करके अब बाद में तकसीम करने लगे। तो हम उसके लिए कैंसलेशन डाले हैं असेसमेंट जी है असेसमेंट से। और जी एच एम सी खास तौर पर ये बात जरूरी है कि जी एच एम सी के कल ऑफिसर्स आए थे, आकर के उन्होंने उनसे पेश किया कि तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या है, सबमिट करो। हम तो ऑलरेडी सबमिट कर दिए जी एच एम सी में। उनके पास के जब ऑर्डर सबमिट करने के लिए उनको बोला गया तो उन्होंने जो है हमारे पास ऑर्डर है हम और जी एच एम सी वाले ये बोले ठीक है हम हियरिंग करते, उनको भी बुलाते आपको भी बुलाते, जिसके पास जो डॉक्यूमेंट है पेश कर दो। हम तो हमारे डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए। जब उनकी बात आई पेश करने की तो यहाँ पर जब फुखरा इस्लाम पूरे ठहरे हुए थे दरगाह को मानने वाले, ये सिर्फ दरगाह का जातियत के लिए, किसके लिए, कोई सब बच्चे करे तो जातियत के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए नहीं कर रहे, जायरीन आते हजारों लोग आते, औरतें खवातीन के लिए जगह नहीं है, खवातीन पूरी बेपर्दा वहां पर लेटे हुए रहती, तो लिहाजा इसके लिए जद्दोजहद ये कोशिश है। तो लिहाजा जो है अब जीएचएमसी वाले हैं उनके पास क्या है उन्होंने पेश करे, उन्होंने जो कुछ भी उन्होंने भी मीडिया पे आए हैं और सब गलत सलत बातें हैं कि उन्होंने जो मारने की हमने मारने की जबरदस्ती जो 50 आदमी9 जी भी लेना होगा।